हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है दुनिया के सबसे अमीर पांच देश। क्या है इसका सच? चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं मिलकर, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। हिंदू धर्म के बाद इस्लाम धर्म दुनिया में माना जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इस्लाम को मानने वाले लोगों को हम मुसलमान कहते हैं। आज भी हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज अपनी पुरानी तकियानुसी सोच की वजह से ही पीछे है। और अगर कोई आपसे पूछ भी ले कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर मुस्लिम देश कौन सा है तो आपके दिमाग में यूएई और दुबई जैसे देशों का नाम आएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज दुनिया में ऐसी कई मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा हाई मेंटेन कर रखा है कि इस मामले में दूसरा कोई देश उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। इन देशों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और यहाँ आपको हर नुक्कड़ पर एक करोड़पति तो मिल ही जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन देशों के बारे में तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही टॉप 5 सबसे अमीर इस्लामिक कंट्रीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार वीडियोस। कतर। दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे अमीर मुस्लिम देशों की बात की जाए तो उसमें कतर का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ, कतर एक ऐसा देश है जहाँ का हर तीसरा इंसान करोड़पति है। हाल ही में जारी की गई कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर देशों में 17 लाख की आबादी वाले कतर को दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बताया गया है। तेल के दामों में उछाल और प्राकृतिक गैस के भंडारों ने कतर को ये मुकाम हासिल करने में मदद की है। हाल के वक्त में ये देश इन्वेस्ट के मामले में भी काफी आगे रहा है और IMF के अनुसार फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद कतर में इन्वेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ की सरकार व्यापार और वर्ल्ड कप में कतर को मेजबान बनाने के लिए बंदरगाह है, रेलवे और हवाई अड्डों पर अच्छी खासी रकम भी खर्च कर रही है। आपको बता दें कि कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है, क्योंकि इस देश के हर एक तीसरे आदमी की सालाना इनकम लगभग भारतीय रुपए के हिसाब से 94 लाख रुपए है। क्या बात है! लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर अच्छी कहानी के पीछे एक दर्दनाक इतिहास छिपा होता है। कतर के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। आज भले ही ये देश इतना ज्यादा अमीर है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और यहाँ की नाइट लाइफ टूरिस्ट को काफी पसंद आती है, लेकिन एक वो भी समय था जब कतर में लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं था। कतर हमेशा से इतना समृद्ध और अमीर देश नहीं था और ना ही यहाँ इतनी ऊंची ऊंची इमारतें थी। आज से लगभग 50 साल पहले इस देश में रेत के सिवाय और कुछ नहीं था। यहाँ पर पहले मोतिया यानी मूंगा को बनाने का काम किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सभी के दिन बदलते हैं, जैसा कि साल 1950 में कतर के साथ हुआ, जब कतर की जमीन से तेल और गैस के भंडार निकले और रातों रात कतर भिखारी से बन गया सबसे अमीर देश। और आज कतर की लाइफ सबसे ज्यादा हसीन है। यहाँ के लोगों की लाइफ इतनी लग्जूरियस है कि यहाँ के कई लोगों के पास तो आपको सोने की गाड़ियां तक नजर आ जाएंगी। कतर को करोड़पतियों का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर तीसरा इंसान करोड़ों का व्यापार करता है। नेक्स्ट इज कुवैत। दोस्तों, इस्लामिक कंट्रीज में दूसरे नंबर पर जो देश सबसे अमीर माना जाता है उसका नाम है कुवैत। जी हाँ, तेल के खजाने से भरपूर ये अरब का एक छोटा सा देश है। छोटा होने के बाद भी कुवैत की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है। यहाँ कमाई का सबसे बड़ा जरिया ऑयल और पेट्रोलियम उत्पाद है। जब कुवैत में देख कुवैत ऑयल कंपनी लिमिटेड, जिसे अब ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी कहा जाता है, इस कंपनी ने इसकी खोज की थी, तब ये देश ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में हुआ करता था। अमीर देशों की लिस्ट में शामिल इस देश के लाइफस्टाइल को देखने के बाद आप इस देश के दीवाने हो जाएंगे। इस देश की करेंसी है कुवैती दिनार। एक दिनार भारत का लगभग 258 रुपया होता है, जबकि अमेरिका का एक डॉलर भारत का सिर्फ 79.68 रुपीस होता है। कुवैत के एक आदमी की इनकम भारत के एक आदमी से लगभग 10 गुना है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के प्रति व्यक्ति की आय 38,755 डॉलर यानी करीब 30 लाख रुपए है। यही कारण है कि पूरी दुनिया के काफी सारे लोग इस देश में काम करने जाते हैं। नौकरी की बात की जाए तो सऊदी अरब से भी ज्यादा भारतीय कुवैत में काम करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, इस देश में ज्यादातर पैसा तेल के उत्पादन और दूसरे देशों में तेल को एक्सपोर्ट करने से आता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पूरी दुनिया का लगभग 10% तेल अकेले कुवैत में ही मौजूद है और ये तेल ही इस देश को दिन पर दिन अमीर बनाता जा रहा है, क्योंकि कुवैत की जमीन में तेल ही तेल बसता है। इसलिए यहाँ कई कानून भी है, जैसे अगर कहीं भी तेल निकलता है तो उस पर कुवैत की सरकार का हक होगा और वहाँ सिर्फ सरकार का ही कंट्रोल चलेगा। आपको बता दें कि कुवैत के पास लगभग 104 मिलियन रॉ बैरल तेल के भंडार है और इसमें अभी 4
मिलियन बैरल यूनिट तक बढ़ने की उम्मीद है। सिर्फ तेल ही नहीं, इस देश के पास दुनिया के सबसे शानदार बैंकिंग सिस्टम में से एक मौजूद है और कुवैत का नेशनल बैंक कुवैत और अरब दुनिया में सबसे बड़ा बैंक है। इसके अलावा यहाँ पर विदेशी लोगों के लिए वीजा के नियम भी बाकी देशों की तुलना में काफी आसान है। दुनिया में 15वीं सबसे ऊंची मूर्ति की बात की जाए तो वो भी कुवैत में ही है। यहाँ पे अल हामरा टावर स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा और दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा टावर है और इसे पूरा करने में लगभग 6 साल लग गए, जो 80 मंजिल के साथ 414 मीटर लंबा है। नेक्स्ट इज ब्रुनेई। दोस्तों, ब्रुनेई तीसरा सबसे अमीर मुस्लिम कंट्री है। 2011 के सर्वे के मुताबिक यहाँ के लोगों की GDP पर कैपिटा $79,816 यानी लगभग $63 लाख है। बाकी देशों की तरह ब्रुनेई की इनकम में भी सबसे बड़ा हाथ तेल और पेट्रोलियम का ही रहा है। इसके साथ ही इस देश के एक्सपोर्ट का 90% सिर्फ हाइड्रोजन संसाधन है, जो कि इसकी GDP का लगभग आधा पैसा जनरेट करता है। आपको बता दें कि ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है, जिसका बॉर्डर तीन तरफ से तीन देशों के समुद्र से घिरा हुआ है। दोस्तों, आप इसके छोटे आकार पर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का रहन सहन और खान पान सभी कुछ अरब के लोगों जैसा ही है। अगर किसी चीज में फर्क है तो वो है यहाँ के अजीबो गरीब कानून, जैसे कि ब्रुनेई में क्रिसमस बैन है। इतना ही नहीं, यहाँ अरब देशों की तरह शरीयत कानून भी लागू है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक ऐसा कानून है जिसके अनुसार उंगली दिखाकर बात करना गुनाह माना जाता है, और यहाँ गुजरात की तरह शराब पीने में पाबंदी है। यहाँ कोई भी मुस्लिम व्यक्ति शराब पीना तो दूर, शराब रख भी नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि शराब इस्लाम में हराम है, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है उन्हें थोड़ी बहुत शराब पीने की परमिशन होती है। इसके अलावा यहाँ हर दूसरे व्यक्ति के पास एक से बढ़कर एक कार देखने को मिलती है। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि दूसरे अरब देशों की तरह यहाँ भी ऑयल और गैस के भंडार है, जिसकी वजह से यहाँ की पर कैपिटा इनकम लाखों में है। और इतनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम होने की वजह से ये दुनिया का तीसरा सबसे अमीर मुस्लिम देश है। आपको बता दें कि यहाँ की करेंसी है ब्रुनेई डॉलर। आपको बता दें कि यहाँ के लोग बहुत खुले विचारों के होते हैं और यहाँ के रहने वाले सभी लोगों को न सिर्फ मेडिकल बल्कि एजुकेशन जैसी सुविधाएं भी मुफ्त में दी जाती है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम देशों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आता है। आप में से बहुत से लोग यूनाइटेड अरब अमीरात को एक देश समझते होंगे, लेकिन आज हम आपके इस आशंका को दूर कर देते हैं, क्योंकि ये कोई एक देश नहीं बल्कि ये 7 रियासतों से मिलकर बना है, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमान, रास अल खैमई, फुजरेह और अल कुवैन शामिल है। आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात अपने GDP के लिए तेल और गैस पर सिर्फ 25% ही निर्भर करता है। यहाँ लोगों की औसत इनकम लगभग $61,509 यानी $49 लाख है। वैसे तो इस देश ने अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को काफी डाइवर्स कर लिया, लेकिन आज भी इस देश की इनकम का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैसों पर निर्भर है। हालांकि अब यह देश अपने इकोनॉमी को टूरिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुबई। दुबई अरब कंट्रीज का वो शहर है जहाँ जाकर बसना आज हर युवा का सपना है। यहाँ की जिंदगी और रुतबा कुछ ऐसा है कि मानो जन्नत अगर कहीं है तो वो बस यही है। आपको बता दें कि UAE और भारत के संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं और भारत में विदेशों से आने वाली इनकम में भी UAE काफी बड़ा हिस्सा साझा करता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी की अदालतों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है। अबू धाबी में आधिकारिक रूप से अरबी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। भारतीय लोगों को यहाँ न्याय पाने में कोई समस्या न हो, इसलिए कोर्ट में ये व्यवस्था की गई है। यूनाइटेड अरब अमीरात में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारतीयों की है। अगर जनसंख्या के कुल औसत की बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात में करीब 30% भारतीय और 12% अमीरात के लोग हैं। इसके अलावा अन्य देशों के लोग यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं। कुछ ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक यूनाइटेड अरब अमीरात की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ है, जिसमें करीब 2/3 लोग दूसरे देश के हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के केरल राज्य के सबसे ज्यादा लोग इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात में रह रहे हैं। हाल ही में की गई एक सर्वे के अनुसार विदेश से भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में भेजी जाने वाली कुल विदेशी रकम में केरल के लोगों का करीब 40% योगदान है। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच हर हफ्ते 1000 से ज्यादा यात्री विमानों की आवाजाही होती है। इन दोनों राष्ट्र के बीच भाईचारे का संबंध है और इसीलिए भारत और UAE के बीच टूरिज्म भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज ओमान। दोस्तों, अमीर मुस्लिम देशों की लिस्ट में ओमान 5वें नंबर पर आता है। यहाँ रहने वाले लोगों की औसत इनकम $15,015 है यानी करीब 12 लाख रुपए। ओमान भी बाकी सब की तरह तेल और पेट्रोलियम से अमीरी की इन बुलंदियों तक पहुंचा है। ओमान के पास 5.5 बिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडार है और 2022 में ओमान में तेल उत्पादन लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन का है। साथ ही इस देश के गैस क्षेत्रों में काफी बढ़ोतरी भी हो रही है, क्योंकि यहाँ आए दिन नई नई तेल की जगह जो मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में ओमान और अमीर हो जाएगा और आसमान छूने को कामयाब हो जाएगा। ओमान के प्राकृतिक गैस
भंडार का अनुमानित अंदाजा लगाएं तो वो लगभग 849.5 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो दुनिया में 28वें स्थान पर है। ओमान के खनिज संसाधनों की तरफ रुख करें तो इनमें तांबा, जस्ता, लोहा और सोना शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया के तहत ओमान अपने आसपास कई उद्योगों का विकास भी कर रहा है, जिससे यहां के मूल निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और ये देश की जीडीपी में भी योगदान दे रहे हैं। ओमान का बॉर्डर चूंकि साउथ में अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर भी मछली पालन का बड़ा काम होता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर मछली पालन करते हैं और कई सारे लोग इस काम में जुड़े हुए हैं। यहां के लोग मछलियों को पकड़ के दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। देश की इकॉनमी को मछली के कारोबार से बड़ा फायदा मिला है। ये देश खजूर, मछली और कुछ अलग तरह की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का निर्यात बड़े स्तर पर करते हैं। तभी तो यहां पर कई सारे लोग इस तरह के काम पर लगे हुए हैं। यहां लोगों के बीच में नए नए बिजनेस को डेवलप करने का बहुत शौक है। यहां की लाइफस्टाइल भी काफी ज्यादा शानदार मानी जाती है। तो ये थी दुनिया की टॉप 5 अमीर मुस्लिम देश, जो तेल और गैसों के भंडार के अलावा दूसरे अन्य उद्योगों के साथ लगातार अमीर होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कभी आप गए हैं इनमें से किसी देश? अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। दुनिया के वो पास देश जहां पर पैसों की कोई कमी ही नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे इस चैनल में नए नए वीडियो आते रहते हैं, तो हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए। तो और दुआ में याद रखिए, खुदा हाफिज़।